जब शुरुआत होता है यादों से, कुछ खट्टे मीठे लम्हों से, और जब शुरुआत में करीब रहते हैं अपना सब, तब आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे जो लगा इस यादों के सफर में, हम वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए रहिए आज का ये वाला मेरे यादों के सफर में। So hello friend, welcome back to my channel. Today let's drive into this moment. सफरनामा में हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं एक लग्जरियस ट्रिप, वो भी बजट फ्रेंडली वे में। तो चलिए देखते रहिए मेरे ये वाला ब्लॉग, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। इन्होंने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया ये ना समझा। है अपना दिल जाने किस पे आएगा। कलकत्ता का सेकंड ब्रिज क्रॉस करते हुए अचानक से याद आ गया, गंगा मैया को छोड़ के हम तो चल पड़े समुंदर की तरफ। और ये देखिए सेकंड ब्रिज से गंगा मैया का नज़ारा, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर कभी खबर सारी जिंदगी में जो नहीं मिलता वो 3.5 से 4 घंटे के सफ़र में मिल ही जाता है। जैसे मुंबई टू गोवा जो जर्नी है कितना मज़ेदार होता है, वैसे ही कोलकाता टू दीघा वैसा ही एक सफ़र था। अभी हम दिखा रहे हैं बस का जो फ्रंट वाला रोड है सेकेंड ब्रिज का, और इधर देखिए बस के फ्रंट सीट पे बैठ के मज़ा ही मज़ा ले रहे थे, मज़ा ही मज़ा ले रहे थे। और इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल आप लोगों को फिर से याद दिला दे, ये वीडियो थोड़ा कुछ दिन पहले का है, क्योंकि नाउ वे डेज आई एम नॉट सो वेल, सो फॉर दैट रीज़न आई एम नॉट अपलोडिंग माई लाइफ अपडेट वीडियो। क्योंकि क्या है, तबीयत ख़राब, वो सब वीडियो में डाल के इंसान को लगेगा कि सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, ये है वो है, और हम भी डालना नहीं चाहते। खैर जो भी है, अभी देखिए कोलाघाट क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोलाघाट का माँ गंगा देखिए कितना सुंदर दिखता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते चले, और ये वाला रोड देखिए कितना अच्छा है, जैसे कि इच्छा होता है कि कभी ये रोड ख़त्म ही ना हो, बस चलते जाए बस के फ्रंट सीट पे बैठ के मज़ा लेते जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला रोड ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये है मेरे हस्बैंड, ये है हम, और उधर बैठा है मेरा बेटा। तो हम तीनों मिलके निकल पड़े थे समुंदर की तरफ, और ये वाला गाड़ी हम लोगों के साथ था। जो भी है, श्यामली हो, ग्रीन लाइन हो, एक्सप्रेस लाइन हो, हमेशा ही मुझे फ्रंट सीट मिल ही जाता है आप लोगों के दुआ से और ऊपर वाले के ब्लेसिंग से। टिंग टिंग टिंग। और इधर चलिए देखते हैं क्या पीते हैं, वैसे हम चाय ही पी रहे थे, और फिर से चल पड़े थे और करीब समुंदर की तरफ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
नाउ वी आर ऑलरेडी रीच इन होटल डॉल्फिन. तो चलिए पहले हम दिखाते हैं रूम टूर आप लोगों को दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का क्या प्लान है. तो इधर आइए, इधर देखिए, दिस इज द टॉयलेट. ये वाला टॉयलेट एरिया है. टॉयलेट में यहाँ पे पूरा लिक्विड ये सब दिया हुआ है और गीजर यहाँ पे जो है काउंसिल में दिया हुआ है, गीजर ऑन किया हुआ है. तो टॉयलेट बहुत ही बड़ा वाला है. तो इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं आइए. और ये आपका जो एरिया है, ये मतलब डोर, इनसाइड द डोर, दिस इज द कवरेज एरिया. एंड दिस इज टू सीट सोफा काउच, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दैट काउच. एंड आफ्टर दैट दिस वन, ऐसा ही एक टी टेबल दिया हुआ है. और ये वाला बेड है, बेड अकॉर्डिंग टू थ्री कैंडिडेट बेड आर ऑल मीन्स ओके. तो ये देखिए बेड साइड एक मिरर लगा हुआ है, इधर एक बेड साइड टेबल दिया हुआ है. एंड दिस वन बेड साइड मिरर, दिस वन बेड साइड मिरर. आई होप यू पीपल हैव सीन दिस मिरर. पूरा मिरर से एकदम से व्यू पूरा अलग सा हो गया. और ये पूरा वुडन प्लेट के ऊपर है. दे हैव प्रोवाइडेड टू लाइट्स, अमेजिंग इंटीरियर. आई जस्ट लव इट एंड लाइक इट. हाउ यू पीपल गिव योर कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन. जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये वाला गेटअप कैसा लगा आप लोगों को. और इधर हम दिखाते हैं, इधर भी एक बेड साइड टेबल दिया गया. देखिए बहुत ही स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब स्विच दिया हुआ है. नाउ दिस इज एकदम से छोटा सा डाइनिंग एरिया दिया हुआ है. ये छोटा सा टू सीटर है, दोनों चेयर यहाँ पे दिया हुआ है. ये दो हम लोग का ट्रेवल बैग है. अभी प्लीज इसको अवॉइड कीजिए, कबर्ड में रखने वाले हैं. आप लोगों को पता है कि हम स्प्रे देते ही रख लेते हैं, तो वो करेंगे उसके बाद कबर्ड में इन कर देंगे. एंड दिस इज द एग्जैक्ट व्यू. नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू. देखिए एंड दिस व्यू इज अमेज. Is this a maze? हाँ, बिल्डिंग बिल्डिंग एंड बिल्डिंग, झूठी झूठी झूठी. है एयर कंडीशनर रूम ड्यूलक्स, एयर कंडीशनर वाला रूम हम लोग बुक किए थे. तो ये सेकंड फ्लोर में प्रोवाइड हुआ है. और ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे बैम्बू फ्रेम के ऊपर दिया हुआ है. ये वाला आर्ट मुझे बहुत ही पसंद आया. थोड़ा सा ये कौन से देश का है, मिशर इजिप्ट वाला ये आर्ट है. सो दैट्स इट. और हाँ, यहाँ पे आपका एक एलईडी स्क्रीन टीवी भी दिया गया. एंड दिस इज द कवर्ड सेक्शन. इधर देखिए इतना बड़ा कवर्ड दिया गया है. और ये दो हैंगर दिया हुआ है, इसमें भी दो हुक्स लगा हुआ है. कवर्ड बहुत ही बड़ा वाला दिया गया. और एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं, इधर दिखाइए. ये देखिए ये वाला मिनी फ्रिज दिया गया हम लोगों को. जाहिर है हमको ये रखना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर कुछ है नहीं. तो ये वाला है. और दिस इज द ड्रेसिंग टेबल. इधर मिरर का साइज देखिए, कैसा लग रही हूँ मैं. तो मिरर साइज बहुत ही बड़ा है और ऊपर भी लाइट्स दिया गया. एंड वन मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग्स, आई लव गोल्डन कलर वॉच. क्योंकि गोल्डन कलर वॉच से मुझे लगता है मेरा टाइम हमेशा गोल्डन ही जा रहा है आप लोगों के साथ. तो ये है मेरा गोल्डन कलर वाला वॉच. और जो एक चीज है आप लोगों को दिखा रहे हैं. 3, 2, 1. दिस इज द बालकनी व्यू. तो कैसा लगा ये वाला बालकनी व्यू, पूरा घुमा के दिखाओ. वाओ, शिमला गोवा फीलिंग. अभी ए वाला रूम का रेट था 2500 तक. और होटल था डॉल्फिन होटल, जो बहुत ही पुराना है. मतलब दीघा पे होटल डॉल्फिन, ये बहुत ही साल पुराना है. और यहाँ पे जो मतलब फर्नीचर प्रोवाइड हुआ है, बहुत ही एस्थेटिक वाला, एक एंटिक लुक देता है एंड एक क्लासी लुक भी देता है. तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया था ये वाला रूम, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर और कैंडिडेट वाइज ये लोग रूम प्रोवाइड करते हैं. तो जाहिर सी बात है, हम दो कपल के लिए तो रूम एकदम से बिल्कुल से सही था. और हम लोगों के साथ तो बेटा रहेगा ही, तो उसको हाफ ही आप लोग पकड़ लो, मतलब 2.5 मेंबर वी आर. सो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये लोग एक छोटा वाला फिल्टर जिसमें वाटर भी प्रोवाइड किए थे. और इधर देखिए, इधर एक झटका.
ये वाला देखिए, ये जो है बाथटब भी बोल सकते हो, जैकुजी भी बोल सकते हो, आप लोगों का मर्जी, जो इच्छा आप बोल दो। लेकिन ये वाला रूम मुझे दिखाई दिया और इस रूम का गेटअप देखिए, ऐसा होता है ना होटल में एक रूम रहता है जो मतलब दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, तो ये था ये वाला रूम। तो इसको देख के मुझे लगा झटका और टिंग टिंग टिंग, फिर से जो रूम टूर हम आपको दिखाए थे, हम लोग रूम चेंज कर लिए, ये वाला रूम ले लिए, आप लोगों को दिखा रहे, देख लीजिए, ये आपका इधर दिया हुआ है, ये है सिस्टम, इधर है छोटा वाला मिरर, मतलब ओवल शेप वाला मिरर है पूरा। आई होप यू पीपल वॉच इट दिस। हाँ खींचा ला ली रे, अच्छा तू खुले दे। सो ये वाला हम लोगों को मिला है। नाउ ये छोटा वाला डाइनिंग है। हाउ इज दिस रूम? हाँ फाइन। एंड दिस इज नाइस। सो तो ये वाला, इसको बहुत, ही इज वेरी हैप्पी एनफ। एंड ये पूरा मिरर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा मिरर है। सो नाउ जस्ट आई एम जस्ट लविंग इट। तो आई वॉज गिवन द स्पेशल रिक्वेस्ट टू देम कि आई नीड टू चेंज माई रूम बिकॉज दिस रूम इज सो बिगर। सो वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाले थे। ये वाला टीवी है और इधर एसी और फ्रिज का लगा हुआ है, ये देखिए फ्रिज पूरा दिया हुआ है। और ये देखिए ये वाला, एंड दिस इज द विंडो, दिस वन इज द बालकनी, और ये पूरा गार्डन व्यू इधर है। गार्डन व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरा गार्डन का व्यू है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट व्यू। एंड टिंग टिंग, दिस इज द बेड, कैसा लगा? और ये है हम लोगों का टोटल रूम। सो आई एम जस्ट लविंग इट। नाउ इस यादों के सफर में आप लोगों को गुआ गुआ फीलिंग्स तो जरूर आने वाला है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इधर देखिए लॉबस्टर दिया गया और हम ले लिए थे चपाटी अलोंग विद वेज थाली, और ये दोनों ऐसे राइस ले लिए। तो कैसा लगा ये वाला हम लोगों का डे का लंच, जरूर बताइए। और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ इवनिंग पे, जरूर याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यू पीपल एंजॉय this trip as a Goa trip. So now अभी इवनिंग में हम लोग निकले हैं और इधर देखिए पूरा, अभी हम लोग लाइट हाउस के सामने हैं और ये पूरा पीछे लिखा हुआ है मेरा दीघा, और ये पूरा एरिया देखिए कैसा लगा आप लोग। I am really blessed enough and I am really thankful towards my God and you all people for your support, for your subscribe my channel and for your all the love. तो आज हम जो भी थे इस हद तक पहुँचे और आगे बढ़ने का पूरा ही ख्वाहिश है। तो आप लोग रहिए मेरे साथ और आई होप हमेशा ही आप लोग मेरे साथ रहोगे, क्योंकि बर्थडे से लेके कोई भी मेरा अच्छा दिन हो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग अच्छे रहो, सेफ रहो, और मेरी तरफ से हम प्यार ऐसे ही आप लोगों के साथ बरसाते रहे। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये सफ़र तो जारी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वाला।